बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइफ हूँ आप साथ में। बाज आ जाओ, मैं पंजाबी च गल कर दिना। बाज आ जाओ, अल्लाह का ना जे ये सऊदी अरब है, पाकिस्तान नहीं जे, ना इंडिया जे। इतने इवें का काम करते हुए फड़िया गया तो लंबे अरसे जेल से ढूंढे जे, ना तो फाइन करे जे। अभी मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ। अच्छा, किस्सा ये है कुछ, अभी मक्का से ये वाक़ सामने आ चुका है। मैं इस आपको साथ में वाक़ भी ये शेयर कर दूँगा आपके साथ, और इसके अलावा एक खुद से जो मैंने अपनी आँखों से सीन देखा वो भी आपको बता दूँगा। सीन पहले बता दूँ जी, जद्दा बवादी की बात है, रमज़ान शरीफ था, काफ़ी पुरानी बात। अभी तो ज़माना बदल चुका है, ज़ाहरी सी बात है, दो चार माह छः माह बाद भाई वक्त बदलता है, तो ये काफ़ी पुरानी बात है। तो बात यह है कि रमज़ान का टाइम था, रात की ड्यूटी चल रही थी हमारी, वादी में रश लगा हुआ था। आपको पता ही है रमज़ान में ये लोग रात को बाहर निकलते हैं और दिन को सैरी करके फिर ये सो जाते हैं, तो काम वगैरह भी ज़्यादातर रात को ही चलते हैं। तो एक बंदे ने पता नहीं क्या भाई उसको खातून को छेड़ दिया या क्या कहा उसको, वो खातून सऊदी थी, उसने पकड़ लिया जी इधर से, उस बंदे को छोड़ ही नहीं रही है उसे। आप यकीन करें कि रश लग गया आवाम का, और बाजार के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, और उसको बंदे और खवातीन बोल रखी हैं कि तुम एक दफ़ा इसको छोड़ दो, हम इसको पकड़ा हुआ है। वो बोल रही है नहीं, मैं इसको छोड़ूंगी ही नहीं, आप दौरियत को शूरतों को बुलाएं, उनको मैं पकड़ाऊंगी इस बंदे को, वैसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर बात बहरहाल वो कुछ खातून थी, कुछ मर्द हजरात ने उसको तसल्ली दी कि आप इसको छोड़ें, हम इसके इससे निपट लेते हैं। उसको छोड़ा गया, उसको मारा पीटा नहीं गया, लेकिन उसको वहाँ पर बैठाया गया और उसको यानी कि उसकी सेफ्टी के लिए उसके इर्द गिर्द बंदे खड़े रखे हैं। बाद में जो भी छुट्टे वगैरह आए उसको पकड़ कर ले गए, वो तो मामला अलग से हैं। लेकिन अभी ये बात मैंने आपके साथ क्यों शेयर की आपको आगे बता देता हूँ। मैं पहले मक्का में जो वाकया पेश आ चुका है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वाकया ये है कि जी एक गैर मुल्की को, अभी पाकिस्तानी भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है, नाम दाखिल नहीं किया गया है, ये एक अच्छा अमल किया गया है मेरे हिसाब से। बहरहाल उस गैर मुल्की को 8 माह की कैद दी गई है, और कैद इस चीज़ के ऊपर दी गई कि सऊदी खातून को वो छेड़ रहा था, यानी कि आप सिंपल लफाज में हम यही बोल रहे हैं कि उसके ऊपर लाइन मार रखा था, ठरक मार रखा था, पुंडी कर रखा था, जो सिंपल लफाज होते हैं हमारी जबान में। तो उस खातून ने अदालत में शिकायत की, उसके बाद वो सबूत मांगे गए, एक खातून उसके साथ वो लेकर आई, ये सबूत है। अदालत ने बोला दो सबूत चाहिए। और एक चीज़ फिर क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर, आप तंजीफ में चले जाते हैं, यानी कि किसी भी किसी किस्म का आप केस करते हैं किसी भी अपने किफील या किसी और बंदे के ऊपर, वहाँ पर भी कसम वगैरह के ऊपर बात अक्सर फाइनल होती है। उस खातून को अब बोला गया आप कसम दे दें कि ये वाकया सच्चा है, आपके पास अगर दूसरा गवाह नहीं है या ना ही कोई कैमरा वगैरह वहाँ पर है, तो उस खातून ने कसम दी इस बात के ऊपर कि मैं मुझको बिल्कुल वो बंदा हरासा करता है, यानी कि छेड़ता है। तो वो बाद में उसके ऊपर उस बंदे को पकड़ा गया और उसको 8 माह की कैद में रखा गया। हालांकि हरासा करने के ऊपर 2 से 5 साल की कैद है और 50,000 से प्लस में फाइन भी हो जाता है। तो जो किस्सा आपको मैंने अभी बता दिया पहले बवादी वाला, मेरी आप भाइयों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, तमाम तर परदेसी भाई इस किस्म की हरकत यहाँ पर मत करें। मेरे खुद के साथ एक दो वाक्य पेश आ चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है ना ही मैंने कोई बदतमीजी की थी और ना ही मुझे कोई किसी किस्म की जेल या फाइन हुआ है। दौरियत ने खुद से मुझे पकड़ा हुआ है, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा वो किस्सा क्या था। दौरियत ने पकड़ा, पूछ गुछ मुकम्मल की, सीसीटीवी कैमरा भी उन्होंने देखा, बाद में मुझे छोड़ा था। तो वो किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल पूरी नहीं थका।